हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और सभी को राम राम। तो यार आशा है सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो यार इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट मैट्रिक्स जीरोस, या मैं इसे ऑफिशियली ये बोलूं तो मैं स्ट्राइवर की एसडी शीट सॉल्व कराना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैंने देखा कि स्ट्राइवर की जो एसडी शीट है उसके सॉल्यूशंस काफी जगह पे कुछ ठीक तरीके से नहीं प्रेजेंट करे गए हैं या सही तरीके से समझाए नहीं गए। तो मुझे लगा कि पर्सनली मैं इसको यूट्यूब चैनल पे अपनी अपलोड करता हूँ। इससे क्या होगा, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो एट द एंड ऑफ द डे मैं भी इंसान हूँ यार, मैं भी फाइनल ईयर का एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी होशियार नहीं हूँ। ठीक है, बट सही है यार, आई थिंक दिस इज द मैटर ऑफ टाइम कि सीखते रहो सिखाते रहो एंड ऐसे ही सबको इवेंचुअली ग्रो करना है एक दिन। तो मैंने ये सोचा कि मैं इसके सॉल्यूशंस आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड करके दूंगा, समझाऊंगा। एंड हम लोग स्ट्राइवर भैया की एसडी शीट को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे एंड देखते हैं यार कितनी दूर तक हम लोग जा पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेट मैट्रिक्स जीरोस, तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैट्रिक्स, ठीक है, 2D मैट्रिक्स। सबसे पहले यार मैं मेरी पुरानी वीडियोस जिन लोगों ने भी देखी होंगी ना, वो सबको यही बोल रहे होंगे कि भाई एसटीएल जाके पढ़ लो, बेसिक समझ लो, एक बार ड्राई रन करना सीखो। मैं यही चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता, क्योंकि इस चीज का फर्क ना, मतलब आपको अभी समझ में आएगा जब आप धीरे धीरे इस प्लेलिस्ट में कंटिन्यू करोगे ना एसडी शीट की, ये स्ट्राइवर एसडी शीट की प्लेलिस्ट में, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आने लगेगी। तो देखते हैं सेट मैट्रिक्स जीरो। तो हमें एक एम क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स दे रखी है। अब भाई एम क्रॉस एन को इतना ध्यान में मत देना, एम क्या है, रोज है, एन क्या है, मेरे कॉलम्स हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे को ये मैट्रिक्स मैंने बना रखी है, ठीक है, ये वाली जो मैट्रिक्स मैंने बना रखी है इसमें चार रो है तो चार कॉलम है, तो एम कितना हो गया, चार, एन कितना हो गया, चार। तो चार क्रॉस चार की मैट्रिक्स मुझे दे रखी है। अच्छा, वो क्या बोल रहा है, अगर एक एलिमेंट जीरो है मेरा मैट्रिक्स में, अगर मेरे को मैट्रिक्स में मैं ट्रेवर्स करता हूँ और एक एलिमेंट जीरो मिलता है, जैसे यहाँ पे सबसे पहला जीरो मुझे कहाँ मिला, यहाँ पे मिला ना 0,2 पे। इंडेक्सिंग जानते होगे आप मैट्रिक्स की कैसे होती है, जीरो ये वाला रो और कौन सा कॉलम, ये वाला टू वाला कॉलम। ठीक है, 0,2 पे मुझे एक जीरो मिला, तो मैं क्या करूंगा, ये जीरो जहाँ प्रेजेंट है उसकी पूरी रो, ठीक है, मतलब जीरोथ रो को पूरा जीरो कर दूंगा और सेकंड कॉलम को पूरा जीरो कर दूंगा। आए, मतलब आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। अच्छा, तो हम इस मैट्रिक्स को बनाते हैं। तो अब ये मैट्रिक्स मेरे को कैसे दिखेगी, अब ये मैट्रिक्स मेरे को दिखेगी ऐसे। देखो जीरो कहाँ था, मेरी पहली रो में था, तो मैं पहली रो को जीरो कर दूंगा और ये जीरो कौन से वाले कॉलम में है, सेकंड वाले कॉलम में है, तो उस पूरे कॉलम को जीरो कर दूंगा। कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके अच्छा देखो वीडियोस की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आई डोंट थिंक इस चीज से आप लोगों को परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखोगे ना अच्छे से तो फिर आप कभी भूलोगे नहीं। फिर क्या फायदा मैं छोटी वीडियोस बना दूं, फिर आप किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखो, समझ में आपके वहां वहां पे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 1 0 1। अच्छा ठीक है, ये वाला काम तो हो गया हमारा, ये वाला जीरो जहां पड़ा हुआ था वो वाली रो भी जीरो कर दी और कॉलम भी जीरो कर दी। अच्छा नेक्स्ट जीरो क्या है, ये वाला, तो ये वाली रो पूरी जीरो कर दो और ये पहला वाला कॉलम पूरा जीरो कर दो। तो भाई कर रहे हैं, रुको, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, और ये अच्छा, अब मेरा कहाँ पे जीरो है, ये वाला जीरो, तो बस ये वाली पूरी रो जीरो कर दो। तो ये तो पूरी जीरो है, बस इस वन को जीरो बनाना है, और ये वाला जीरो है फर्स्ट सेकेंड कॉलम में, तो मेरे को सेकेंड कॉलम को भी जीरो बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, तो मेरी फाइनल मैट्रिक्स ये आ गई। अब मेरे को इसको रिटर्न करवाना है, ठीक है, रिटर्न नहीं, वॉइड है। मतलब वॉइड का मतलब क्या है, फंक्शन मेरा कोई भी रिटर्न नहीं करेगा, जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली ये ऐसी मैट्रिक्स प्रिंट करके दे देगा। अच्छा, तो कोड पे नहीं जाते, सबसे पहले अप्रोच समझते हैं हमने क्या किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहला जीरो मेरा कहाँ एनकाउंटर हुआ, पहला जीरो मेरा एनकाउंटर हुआ 0,2 पे, फिर दूसरा जीरो मेरा एनकाउंटर हुआ 1,0 पे, ठीक है, 1,0 पे। अच्छा, फिर मेरा तीसरा जीरो का एनकाउंटर हुआ, वो हुआ मेरा 2,1 पे, ठीक है, 2,1 पे एनकाउंटर हुआ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या करूंगा,
एक मिनट सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अब। ओके अच्छा हाँ, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने मैट्रिक्स के ऊपर आइटरेट किया, आइटरेट तो सब करना जानते हैं भाई। हाँ, और हमने क्या किया कि मेरे को जहां जहां जीरो मिल रहा है ना, उसको मैंने एक वेक्टर में पुश करवा दिया। अच्छा, अब ये वेक्टर किस टाइप का बनेगा, ये एक पूरा एरे हो गया, ये वेक्टर हो गया, ठीक है। अरे तुम ऐसे मानो कि तुम वेक्टर कैसे बनाते हो, 1 2 3 ऐसे तो ही बोलते हो। अच्छा, अब ये वेक्टर किस टाइप का बनेगा, ये अगर तुम डिफाइन करोगे तो वेक्टर ऑफ इंट वी। अच्छा, अब ये वाला वेक्टर कैसे बनेगा, क्योंकि भाई इस वेक्टर के एक एलिमेंट में क्या है, दो एंटिटीज हैं, तो ये वाला वेक्टर कैसे बनेगा, वेक्टर ऑफ पेयर इंट कॉमा इंट, ऐसे ही बनेगा। हाँ, तो भाई हमें इतनी चीज समझ में आ गई कि हमें कहीं भी जीरो एनकाउंटर होगा, हम उसे एक वेक्टर में स्टोर करा लेंगे, ठीक है भैया। इससे क्या फायदा हुआ, इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा, इससे कुछ फायदा नहीं हुआ भाई, बहुत फायदा हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ, अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं क्या करूंगा, मैं आइटरेट करूंगा, ठीक है। अब मैं आइटरेट करूंगा और जहां जहां मेरा जीरो है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा 0.2 को उठाया मैंने सबसे पहले, ठीक है। अब मैं 0.2 पे आइटरेट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये जीरो है ना, तो मैं इसकी सारी रो पहले जीरो कर दूंगा, फिर मैं सारे कॉलम जीरो कर दूंगा, ठीक है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, पता नहीं यार इस क्वेश्चन का हवा क्यों बना रखा है सब लोगों ने मिलकर। अच्छा, सबसे पहले मैं निकालता हूँ रोज, तो रोज ऐसे निकाली जाती हैं, और कॉलम्स कैसे निकालते हैं ये तो रट लो। रोज कभी भी 2D मैट्रिक्स का क्वेश्चन मिले, रोज और कॉलम्स निकालो, निकाल ली। फिर क्या करो, आइटरेट करो रो पे, मतलब रो पे आइटरेट नहीं, पूरे उस पे आइटरेट करो। किस पे आइटरेट करो, पूरी मैट्रिक्स पे आइटरेट करो, ठीक है। फॉर INT J इक्वल्स टू 0, J लेस देन कॉलम्स और J प्लस प्लस, ठीक है। हाँ, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने क्या कहना चाह रहा हूं, इफ मैट्रिक्स ऑफ रोज रोज नहीं, मैट्रिक्स रोज क्यों, अगर मेरा मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट जीरो एनकाउंटर हो गया, तो मैं उसको वेक्टर में पुश बैक कर दूंगा। लेकिन भाई वेक्टर तो बनाया नहीं, तो वेक्टर बना लो, वेक्टर ऑफ इंट नहीं, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट, क्योंकि दो एंटिटी है मेरे वेक्टर में। हाँ, क्या ले लो, वी ले लो यार, ठीक है। इंटरव्यू में वी नहीं लेना, कंटेनर या ऐसे नाम रख लेना ताकि वो अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अगर कोई भी एनकाउंटर जीरो हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरा जीरो सबसे पहले एनकाउंटर हुआ 0.2 पे, तो मैं पहले इंडेक्स पे वेक्टर के क्या स्टोर कर दूंगा, 0.2, तो वी डॉट पुश बैक, तो वी डॉट पुश बैक कैसे करोगे, मेक पेयर, पेयर बनाओगे ऐसे थी भाई, तभी बोलता हूँ एसटीएल पढ़ लो। हाँ, मेक पेयर आई कॉमा जे, ठीक है, ऐसे करोगे, कूल है, इतना समझ में आता है। हाँ, इतना हमें समझ में आता है। अब क्या करूंगा भैया मैं, अब क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा, अब तुम कोड देखना, अब कोड से समझाऊंगा मैं तुम्हें, रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। इंट 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 जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन कॉलम्स और जे प्लस प्लस। अब मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स आई डॉट फर्स्ट जे इक्वल्स टू 0, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे कुछ नहीं हुआ भाई, इससे हम कर रहे हैं सेटिंग रोज टू 0। अब मुझे कॉलम को भी 0 सेट करना पड़ेगा, तो भाई वो कैसे करूंगा मैं, वो बताता हूँ, टेंशन मत लो भैया, आए हैं तो समझा के ही जाएंगे, ठीक है। सेटिंग कॉलम्स टू 0, अभी मुझे कोड लिखने दो शांति से, तब समझाऊंगा आपको। अच्छा, ओके, टू 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 हो गया, सही है। अब भैया आपने करा क्या, मुझे ये बता दो। अच्छा, बताते हैं भाई,
वरना आप जान खा जाओगे कमेंट सेक्शन में कि भैया बताते नहीं है, भैया ने तो कोड रट रखा है भाई, मतलब रटा नहीं है, हम चाहें तो आपको समझा सकते हैं, फिर आपके समझ में नहीं आएगा। ऐसे आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके सीखोगे तो आई होप आपकी ज्यादा समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले तो भाई कोड देख लेते हैं, अपना कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है भाई, कोड नहीं चलता है तो दिक्कत आ जाती है, आराम से इसको सबमिट करके देखते हैं, फिर आराम से समझाते हैं इसको। अच्छा, अनडिफाइंड अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर आई, उसके समझ में नहीं आ रहा, आई समझ में नहीं आ रहा उसके। ओके 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 ओके, अरे हमने गलती कर दी भाई, हमने तो वेक्टर के एलिमेंट को एक्सेस ही नहीं किया, वेक्टर के एलिमेंट को एक्सेस कहाँ करा हमने, फॉर ऑटो आई इज टू वी। हाँ अब मैं क्या करूंगा ये, हाँ अब मैंने एक्सेस कर लिया वेक्टर के एलिमेंट्स को, पहले वेक्टर के एलिमेंट्स को नहीं एक्सेस करा था ना मैंने। चलो बढ़िया, कूल है, रन करके देखते हैं। अब रन हो जा, सबमिट करके देखते हैं। यस इट्स बीन सबमिटेड। अच्छा अब देखो, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरा क्या था, मेरी मैट्रिक्स क्या थी, इनिशियली इनिशियली मेरी मैट्रिक्स क्या थी, वो थी मेरी 1101, और क्या थी, एक मिनट मैं देखता हूँ कॉपी में, 0111, फिर 1011, फिर क्या थी, 1111। अच्छा अब मेरा क्या आया, सबसे पहले मेरा आया, अच्छा देखो ये वाला जीरो किस पे है, पहले हम ये देख लेते हैं, एक बार इसकी नंबरिंग और कर लेता हूँ। ठीक है, वीडियो की लेंथ पे मत जाना यार, वीडियो की लेंथ पे जाओगे मैं पहले ही बता रहा हूँ कुछ सीख नहीं पाओगे, फालतू में टाइम वेस्ट होगा पूरा। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, क्योंकि भाई अब ना तुम अगर फोकस नहीं कर पाए तो तुम समझ नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चाहिए तो ब्रेक ले लो, आराम से वीडियो को लौट के आके वापस से देख लेना, बट अब ध्यान से समझना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अगर मुझे रोज निकालनी होंगी, अगर मुझे रोज पे ऑपरेशन करने होंगे तो मैं कॉलम्स पे आइटरेट करूंगा, और कॉलम्स पे ऑपरेशन करने होंगे तो मैं रोज पे आइटरेट करूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, हाँ आती है। चलो सबसे पहले मैं रो को आइटरेट कैसे करूंगा, ठीक है, रो को जीरो सेट कैसे करूंगा। सबसे पहले जीरो मुझे कहाँ मिला, 0,2 पे मिला। ठीक है, समझते रहना बात, समझते रहना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर बनाऊंगा, एक वेक्टर बना लिया, उसमें क्या पुश करूंगा, 0,2, फिर मैं पुश करूंगा 1,0, फिर मैं पुश करूंगा 2,1। ठीक है, 2,1, ठीक है, ये मेरा बन गया वेक्टर। अच्छा अब यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 4 है, फॉर int j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 4, मतलब j लेस देन 4 तक मेरा लूप चलेगा। अच्छा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को भूल जाओ, एम ऑफ आई डॉट फर्स्ट। अच्छा जब आप इस पर आइटरेट करोगे ना, फॉर ऑटो आई इक्वल आई इज टू वी, तो आई में क्या आएगा, आई में आपका 0,2 आएंगे। बहुत से ज्ञानी कहते हैं कि भाई 0,2 नहीं आएगा, 0 आएगा, तो भाई गलत कहते हैं, एसटीएल ध्यान से पढ़ो। जब आप वेक्टर पे आइटरेट करोगे तो सबसे पहला एलिमेंट आई में आएगा 0,2। ठीक है, 0,2 आ गया, तो हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट फर्स्ट, आई आई में क्या आया अभी, 0,2 आया, और उसका भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0, तो मैट्रिक्स ऑफ 0, अभी और जे कितना है, जे भी 0 है, तो उसको क्या सेट कर दो, 0, तो हमने इस वाले एलिमेंट को 0 कर दिया। नेक्स्ट आइटरेशन में मैट्रिक्स आई डॉट फर्स्ट, अब आई डॉट फर्स्ट तो ऐसे ही रहा 0, लेकिन जे बढ़ता जाएगा, तो 0, जे कितना हो गया, 1, 0,1 को क्या सेट कर दो, 0 सेट कर दो। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में जे कितना हो जाएगा, 2, आई डॉट फर्स्ट तो वही रहेगा, तो मैं इसको 0 सेट कर दूंगा, वो तो है ही सेट पहले से ही। चलो फिर मेरा नेक्स्ट आइटरेशन में 3 हो गया जे, ठीक है, फिर मेरा ये 0 सेट हो गया, आ रहा है समझ में, इससे मैंने पहली वाली रो अपनी 0 सेट कर दी, जहां पे मेरा 0 है प्रेजेंट। ठीक है, अगर मेरा किसी भी मैट्रिक्स में यहाँ 0 था, तो मैंने उस जहां पे वो 0 है, उस रो को कैसे पूरा 0 सेट करना है, वो मैंने इस लाइन से कर दिया। अच्छा भैया बहुत अच्छी बात है आपकी, बहुत अच्छी बात, लेकिन भैया एक बात बताओ, आप इसको कैसे 0 सेट करोगे,
क्योंकि जीरो यहाँ था ना, तो इसको कैसे सेट करोगे, सेकंड कॉलम, वो थर्ड कॉलम को? देखो जीरो पहला कॉलम, वन दूसरा कॉलम, टू तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम को जीरो कैसे सेट करोगे? तो भाई जीरो क्या बता रहा था, रो, टू क्या बता रहा था, कॉलम। ठीक है, तो सेकंड कॉलम पे आ जाओ, मैट्रिक्स ऑफ जे कॉमा आई डॉट सेकंड, मैट्रिक्स ऑफ जे, जे में क्या है, मैट्रिक्स ऑफ जे क्या है, मैट्रिक्स ऑफ जे क्या है, मैट्रिक्स ऑफ जीरो कॉमा आई डॉट सेकंड टू, मैट्रिक्स ऑफ जीरो कॉमा टू को क्या सेट कर दो, जीरो। तो ये जीरो कॉमा टू जीरो। फिर अब इसमें क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, इसमें ये कॉन्स्टेंट रहेगा, इसमें सेकंड पैरामीटर कॉन्स्टेंट रहेगा ये वाला, क्यों, क्योंकि हमें रो, वो सॉरी कॉलम जीरो सेट करना है। फिर ये क्या हो गया, नेक्स्ट वन कॉमा टू, तो वन कॉमा टू जीरो सेट हो गया। फिर ये चेंज होगा, टू ये जीरो सेट होगा। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में थ्री कॉमा टू, ठीक है, फिर ये जीरो सेट होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब आपको, अब ध्यान से सुनना ये, मतलब बहुत ही प्यारी बात कह रहा हूं मैं, जब आपको ये रो जीरो सेट करनी थी ना पूरी, जब आपको ये जीरो सेट करनी थी ना जनाब, तो आप किसको कांस्टेंट रख रहे थे, रोज को कांस्टेंट रख के, रोज को कांस्टेंट रख के इस पैरामीटर को चेंज कर रहे थे, इस पैरामीटर को, क्वेश्चन मार्क वाले पैरामीटर को चेंज कर रहे थे, जब आपको रोज को जीरो करना था, रोज को जीरो करना था, ठीक है। और जब आपको जनाब, जब आपको जनाब कॉलम को जीरो करना था, तब आप किसको चेंज कर रहे थे, रोज को चेंज कर रहे थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम कॉलम्स पे ऑपरेशन करते हैं तो रोज पे क्यों आइटरेट करते हैं, और जब रोज पे ऑपरेशन करते हैं तो कॉलम्स पे क्यों आइटरेट करते हैं। आ गया, चमक गया। बस ऐसे ही कोडिंग पढ़ो भाई, ऐसे पढ़ोगे तो आई होप, देखो मैं एक बात बोलूं यार, कोड तो तुम ये भूल जाओगे, ठीक है, मानो मानो यार 1% मान लो तुम ये कोड भूल गए, लेकिन ये जो अप्रोच है ना, इस अप्रोच को ड्राई रन करना, पेपर पे समझना भाई, नहीं भूलोगे, सही में नहीं भूलोगे, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगाओ तो यार दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट में बताना कि भाई मैंने कैसी वीडियो बनाई है। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। देखो भाई दो लूप लग रहे हैं, दो लूप लग रहे हैं ना, तो भाई एन स्क्वायर मान ले, प्लस ये दो, ये एक लूप है, ये एक लूप है, ठीक है, ये एक लूप है, ये कितना, ये कितने टाइम चलेगा, ये एन टाइम चलेगा, ये एन टाइम चलेगा, और ये पूरा एन टाइम चलेगा, तो एन 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 स्क्वायर प्लस एन। अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि हम छोटे टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, एन, क्योंकि हम भाई वेक्टर ऑफ पेयर यूज कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो पसंद आया हो तो भाई मैंने बता दिया आपको क्या करना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।